ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। एक तरफ कोरोना संक्रमण दुनिया में लगातार पैर पसार रहा है, हर रोज मौत का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना कर्मवीर संक्रमित होते जा रहे हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों की जिंदगी निगल ली। इस महामारी से कोरोना कर्मवीरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई के लिए समाज सेवी लोगों ने एटा जिले के अलीगंज कस्बे में पुष्प वर्षा कर फूल मालाएं भेंट कर जमकर स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों, चिकित्सक, पुलिस और प्रशासन के लोगों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। समाज सेवी 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर कोरोना योद्धाओं का स्वागत करते नजर आए। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की खबर। आपको बता रहे हैं, कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से लोग तरह तरह की तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसी क्रम में जनपद एटा के अलीगंज में आज प्रशासनिक अधिकारियों का जो है, यहाँ के समाज सेवियों ने जो है फूल माला बरसाकर और जो उनके पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी को एक व्यापारी ने जो है 51,000 का चेक भी सौंपा।